ठुमरी क्वीन के नाम से मशहूर रही गिरजा देवी का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया। नाटी इमली के संजय नगर कॉलोनी में अपने अप्पा जी को आखिरी बार देखने के लिए पूरा बनारस उमड़ पड़ा। हर कोई नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची। मालिनी अवस्थी ने कहा कि अप्पा जी की कमी सभी को खलेगी। अप्पा जी एक महान गायिका तो थी, लेकिन वो जितनी सच्ची फकीराना इंसान थी, सभी से प्रेम, सबको उड़ेलने के लिए, देने के लिए इतना प्रेम, सबको बांटने के लिए इतना प्रेम। आज उनके वो गानों के जरिए, रिकॉर्डिंग्स के जरिए, शिष्यों के जरिए ताउम्र रहेगी, लेकिन ये भरपाई कभी होने ही वाली नहीं है। गिरजा देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनके शिष्या ने कहा कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। पहले मैं उनसे मिलके आई थी दिवाली पर, तो लग रहा था राजरानी बैठी हैं, जैसे स्टेज पे जाने को तैयार है। इतना सज धज के, इतना स्नेह, इतना प्यार की देवी कुछ देखी नहीं दूसरी। गुरु भाई, गुरु बहने हम लोग बहुत तह रहे हैं, गिनती गिनेंगे तो बहुत हैं, लेकिन उनकी जगह तो वही थी। गिरजा देवी का पार्थिव शरीर को कुछ देर दर्शनार्थ रखने के बाद अंतिम यात्रा निकाली गई। उनका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा। गिरजा देवी तो चली गई, लेकिन ठुमरी और दादरा के गाए उनके सुर अमर रहेंगे और लोगों की जुबान में ये तराने सदियों तक गूंजते रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला की रिपोर्ट।